दोस्तों, चावल आपने मशीन से काटते हुए देख लिए, हाथ से काटते हुए देख लिए, वो थ्रेसर से निकालते हुए देख लिए। अब हाथ से निकालते हुए और हम आपको दिखाएंगे। राम राम। हाथ से चावल निकाल रहे हो? थ्रेसर से ना निकाल लगी ना। अच्छा, मशीन से भी कटा होता है ना वो। हाँ। अच्छा, बेस के लिए है, गाय बेस के लिए। अच्छा, ये गाय भैंस के लिए बढ़िया रहेगा फिर। अच्छा, जिस जाति कूट रहा है। अच्छा, कितने दिन में काट लोगे पूरा? ऐसे कितने दिन लग जाएंगे फिर? दो दिन में, ऐसे दो दिन में हो जाएगा पूरा? बस दिन में तो काट हो। छोटा सा गिफ्ट। ये मंदिर सब नया बना है या पुराना है? नया बना है। अच्छा, नया बना है। जिला कौन सा है यहाँ पर? जिला बूंदी। बूंदी। और तहसील? तहसील केशवरायपाटन। केशवरायपाटन। कंचन धाम मतलब कौन से भगवान का मंदिर है? ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है। इसमें शिव जी का है। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, वो पूरे 12 हैं। अच्छा, पूरे ये जो मंदिर है क्या, ये सारे के सारे? हाँ, ये मंदिर है। इस तरह के 12 मंदिर है पूरे। हाँ। पूरे दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी जगह पर हम आ गए। यहाँ से हम तो ऐसे निकल रहे थे, पता चला कि ये धाम है। देखिए, इतना बड़ा नंदी बना रखा है। आपको ये भी पता चलेगा टोटल कितने ज्योतिर्लिंग है। ये है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, सौराष्ट्र गुजरात में। ये है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, श्री शैल, आंध्र प्रदेश में। ऐसे अब जो तीसरा ज्योतिर्लिंग है वो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश यात्रा में आप देखेंगे, ये है मध्य प्रदेश में। उसके बाद में है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मालवा प्रांत में, मध्य प्रदेश में ये भी। उसके बाद में ये है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, संथाल, बिहार में। उसके बाद में जो अगला ज्योतिर्लिंग है वो है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र में। ये देखिए, ये जो धाम है उसे लोकेशन तो मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको वीडियो के एग्जैक्ट लोकेशन। देखिए, शानदार पहाड़ों के नीचे बना हुआ है। आप ऊपर की साइड में देखिए, अरावली पर्वतमाला है यहाँ से गुजरती हुई। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु, मद्रास में। उसके बाद में है नागेश्वर, द्वारकापुरी में, गुजरात में। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर सुकून मिला है आकर के। आज काफ़ी दूर चल के आए हम यात्रा करके। उसके बाद में है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, काशी, उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। उसके बाद में जो है वो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। ये है घुमेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। का गांव दुगारी, दुगारी गांव है। और ये किला किसने बनवाया, कितना पुराना है? ये तो बहुत पुराना है भैया। बहुत पुराना है? बना था तो कहे को है? छोड़ेंगे एक टाइम को जो। किसके टाइम का? सोलंकी। सोलंकी? हां, राजपूत सोलंकी ने बनाया। सोलंकी राजपूत? हां, उनके टाइम का है। और माता जी का मंदिर भी? मंदिर भी में। अच्छा, किला बंद है क्या अभी? किला बंद है। अच्छा, पूरे दिन बंद ही रहता है? अरे मैं तो कहे को ना, तो किला में से खड्डा खोद गया बना। अच्छा, खड्डा खोद दिया क्यों? चोरों ने। अच्छा, चोर तो जाने खजाना ढूंढने के लिए। हाँ, खजाना ढूंढने के लिए। अच्छा जी, जो खजाना मिला किसी को? खजाना मिला किसी को? कोई नहीं मिला, जगह से मिला, कहीं तो मिला नहीं मिला। आपने तो 4 बजा के आधार पर गाड़ी से आपने तो। अच्छा, भगवान देता है अपना। दोस्तों, ये 4 बजा जी का मंदिर है, जो पुजारी जी अभी जा रहे हैं ये खोलेंगे। एक्चुअली दोस्तों, हमने थोड़ी लेट कर दी, अंधेरा हो रहा है। ये देखिए, इस पानी की झील के किनारे पर यह मंदिर बना हुआ है। किला भी है, लेकिन किला तो एकदम जीर्ण शीर्ण हो चुका है। ये देखिए, कुछ इस हालत में, जर्जर हालत में है। अगर खूबसूरत सबसे अच्छी जगह जो है वो ये झील है,
इसके किनारे पर बना हुआ ये चार भुजानाथ जी का मंदिर। दोस्तों, राजस्थान के बूंदी जिले की दुगारी में तेजा जी का भी एक बड़ा मंदिर है और 800 साल पुराना है। दुगारी में चौहानों की हाड़ा शाखा का शासन था। महाराजा से तेजा जी के प्रति कुछ भूल हो गई। कहते हैं कि तेजा जी के कोप से महाराज को श्राप हो गया, आपकी 7 पीढ़ियों तक कोई संतान नहीं होगी। ऐसा ही हुआ। यहाँ के महाराज 7 पीढ़ी तक निसंतान रहे। उत्तराधिकारी के लिए दत्तक पुत्र चुनते रहे। 8वीं पीढ़ी में महाराज आर सिंह के वंश चला। दोस्तों, यहाँ पर दुगारी दुर्गा माता जी का मंदिर है। इस साइड में जो तालाब है उसका पानी यहाँ से आता रहता है, जो झरना है यहाँ पर। अरे सिया, अभी निकल के आई। पापा। हाँ सिया बेटा। मैं पापा पापा। मंदिर जाएगी। देखिए दोस्तों, किले का जो दरवाजा है वो यहाँ पर है, आप सामने देख सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि किले का दरवाजा बंद पड़ा है, दूर से लोग दिख भी रहा है हमें लगा हुआ। फिर दुगारी फोर्ट से रात को हम नैनवा आ गए और नैनवा में ये होटल है नागर, इसके अंदर हम ठहरे। 450 रुपये किराया हमने दे दिया एक रात का। अब चलते हैं इससे आगे। एक्चुअली दोस्तों, अभी जो हमने सिंगाड़े है वो 2 किलो ले लिए, खा लेंगे, गांव भी ले जाएंगे, क्योंकि अभी हम जो गांव जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप लास्ट तक देखेंगे, हम गांव पहुंच जाएंगे। रात हो जाएगी अभी यहां से तो 10 घंटे, 7-8, 8-10 घंटे का रास्ता है। अच्छा, किन्नू कौन चला यहाँ के आठे बिठा के खिला सी किन्नू ने। ये बता रही है किन्नू कौन जा रही हूँ, दादी कौन जाऊ। किन्नू खिलास ही बेटा, खिलास ही। सीकर में थोड़ी मिठाई ले लेते हैं घर के लिए। हम पहुंचे हैं सीकर, 10-11-12 बज जाएंगे आज। पानी लगे की ऐसा पानी लगे। ओह दोस्तों, इतनी ठंड पड़ रही है गांव में, हमें पता ही नहीं था। हैं? ए दादा है कदा ही दादा कंतु ऐसा जीजी कट है जीजी अब क्या जीजी आ गई। कितने बना लिया कर। हाँ नहीं नहीं, मोबाइल साइड में कर, मोबाइल साइड में कर। तो अरे साइड में कर, तेरी फोटो को नहीं आवे। हाँ साइड में कर, साइड में। तो मैं तेरे वीडियो बनाऊ बीच में आवे नहीं। बना ले तो मैं तेरे बनाऊ। वो मैं बताऊ, चलो बताऊ तो। अरे चलो बताओ, मोबाइल तो पढ़ने कर। ल देख ले, देखना फिर देख ले। वापस दे बताऊं। दोस्तों आपको पता ये सब्सक्राइबर है और ये भी एक हमारी सब्सक्राइबर है शुभ जर्नी की, तो ये आपके लिए हो गया। ये सब्सक्राइबर के लिए जो हमें मिलता है सब्सक्राइबर उसको देते हैं। आज मिल गई, ये लो। अब कल मिलेगी तो कल नहीं देंगे, आज आज ही देंगे। तेरे तो हमेशा ही गोड्डा दुख था, अब के होता है? तो बिल्कुल दुख, पहली दुख था तेल वो मसलो तो। किसो वो के नाम है राजू? पतंजलि को के वो
गोपेथी पतंजलि को एक तो अच्छा गोपेथी तेल है कितने महीना मसल बारह महीना हो गया मसल पीने एक शीशी तो मसल दी और भाई कहां तरह दूसरे मसलो ये रोज की कोको सुनो अच्छा बड़ा बुंद के बाजे दोस्तों घर पे आते ही काम शुरू है ठीक है मैं तू ही जावे चल चल खेत जा गया दोस्तों ये खेत में हमारे जो है वो मूंगफली की फसल कुछ इस तरह से है इस बार तो कमजोरी है इस एरिया में बारिश कम ही हुई है हैं के कारण मेरे को नहीं लोग तो के मैं को नहीं हुआ बारिश कम हुई है नहीं बारिश कम बारिश कम के कारण कितना दिन होगा पत्ती लगाई कितना दिन होगा तीन दिन होगा अभी दो तीन दिन और लगेगा नहीं सूखता दो तीन दिन लग जाए दो चार दिन ही लग जाए राम राम जीरो ओके बनाना लग रही है अमली खासी सिया अमली खासी माताई तू अठाई हाँ ढूंढ केस में ढूंढ हाँ मली ढूंढ ढूंढ के लिया अब क्या मूंगफली मतलब जोरदार हुई है या कमजोर है कमजोर है कमजोर है कमजोर होने कोई कारण खास बरसात कम हुई बरसात कम हुई है लेकिन मैं जगह एरिया में जा गया अभी एरिया में तो बरसात धुआंधार ही हुई ज्यादा भी काम नहीं कौन बटे भी फसल बर्बाद है कोटा और बारा और झालावाड़ भी उस एरिया में जो है फसल पूरी नष्ट हो गई चावल को छोड़ के क्योंकि बरसात ज्यादा हो गई यहाँ हुई नहीं तो इसलिए मुझे कई लोग कमेंट करके ऐसे कह रहे थे कि भाई राजस्थान में तो बहुत बारिश होती है तो मैं उनको बता दूं कि देखिए यहाँ बारिश नहीं हुई है ऐसा भी इलाका है देख ले बिरानी तो कुछ हुई नहीं छह बीघा गमा बहुत सी छह बीघा में 50 क्विंटल पचास किलो किला क्विंटल तो बहुत ज्यादा छह बीघा में 50 किला गुआर और 3 बीघा में 70 किला मोट है 3 बीघा में 70 किलो हाँ किलो अच्छा और पानी और लगाया 3 अच्छा पानी और लगाया था ऊपर से सरदार शहर में मंदिर है हमारे गांव के पास में अच्छा पूर्ण बालाजी और आज खास तौर से इनको घुमाने के लिए हम लेकर के आए बिना किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल किए अपने हाथों से जो छील के दिखाएगी ये चैलेंज है जो आज पूरा करने वाली है टाइम अभी शुरू हो जाता है मैंने चील दिया है।
तने चील दिए है। मैंने चील दिया। ये रही। टूटे मिल गया मैं तोड़ो बोले बोले बाय 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 मैं जाऊं मैं आज दादी जाऊं। शुभ जर्नी की वीडियो कैसे लगते हैं आपको? बहुत बढ़िया लगते हैं। हमेशा देखते हो? क्या नाम है आपका? संदीप। तो ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट या हमारे सब्सक्राइबर है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। गांव कौन सा है आपका? सरदार शहर। सरदार शहर है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद आपका। दोस्तों ये जो मेरे साथ में बैठे हैं, जानते हो आप इनको? ये श्याम बिहारी स्वामी, जो काफी दिनों बाद आपको दिखे। जॉब कर रहे हैं दोस्तों, ये इंजीनियर है और उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, किस चीज का? वेब डेवलपमेंट का, वेब का, एप्लीकेशन वर्ड का, आईओएस का, सब बनाना सीख चुके हैं अभी। हाँ। 3 महीनों में। अच्छा, ट्रेनिंग चल रही थी अभी, ट्रेनिंग पीरियड, और उसके बाद में फुल सीख जाएंगे। तो शुरू किया जो शुभ जर्नी के वीडियो आपने कंटिन्यू कर देखे, तो आपको पता है शुरुआत के 2 महीने हम दोनों भाई भाई साथ में थे। अभी दीपावली के ऊपर हम भी आ गए, ये भी आ गए, सब इकट्ठे हो गए। हैप्पी दिवाली। ये बोल हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली। ये बोल हैप्पी दीपावली। दीपावली की शुभकामनाएं सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बोल रहे हैं दीपावली? हैप्पी दीपावली। अजीब है।